नमस्कार दोस्तों आप सबका चैनल पे स्वागत है और मेक वन बिलियन एल एस ग्रुप द्वारा इंडिया uh, ये हिंदी चैनल है दूसरा एक चैनल है एल एस ग्रुप ग्लोबल उसमें इंग्लिश में रहता है मोस्टली और उसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग उसमें शेयर से रिलेटेड नहीं रहता है इसमें ये अच्छा है कि इसमें मैं शेयर से रिलेटेड डालता हूँ जो मैं स्टॉक मार्केट में खरीदता हूँ और यू एस मार्केट में भी बाई करता हूँ अगर आपको इन्वेस्ट करना है यूएस मार्केट में भी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप यू एस मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं ये पूरी एक सीरीज शुरू की है मैंने जिसमें आपको प्रोजेक्ट टू है ये एक्चुअली और डे थर्टी वन लास्ट टाइम हो चुका था और आज आज मैं आपको वापस दिखाने वाला हूँ कि मैंने आज क्या बाय किया क्या नहीं बाय किया एक्चुअली फ्रेंकली बोलू तो आज मैंने कुछ बाय नहीं किया है ठीक है आज भी मैंने शेयर ऐड नहीं किए पांच शेयर जो मैं ऐड करता हूँ तो इसमें ऐसा है कि मैंने पांच शेयर ऐड नहीं किए बट जो पिछले सीरीज में हमने शेयर लिए थे उसमें से कुछ शेयर आज मेच्योर हो गए टेन परसेंट उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है तो ये पूरी सीरीज अगर आपको एक लाइन में समझाऊं तो हमारा टारगेट है पांच शेयर चूज करना उनको बाय करना उनको अपने पास रखना और विद इन ए थ्री हंड्रेड डेज फाइव शेयर थ्री हंड्रेड डेज विद इन थ्री हंड्रेड डेज हमें मिनिमम टेन परसेंट रिटर्न चाहिए मिनिमम टेन परसेंट रिटर्न का हम टारगेट रख रहे हैं तो टेन परसेंट रिटर्न हमें मिलेगा इसके लिए ही हम ये सब पूरा कर रहे हैं और हमने देखा है कि कई शेयर्स ने अपना टारगेट अचीव भी किया है तो जैसा हमेशा बोला जाता है शेयर मार्केट इज ऑलवेज लाइक कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में वो हमेशा रिस्क होता है तो आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए आप अपने रिसर्च के हिसाब से उसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए और जितना आप सीखेंगे खुद से उतना ज़्यादा आप एनालाइज कर पाएंगे खुद से और उतना ज़्यादा ही जो आपका दिल बोले दिमाग बोले आपकी जो लर्निंग है वो बोले उस हिसाब से भी कीजिए और इसीलिए मैं जो बाई करता हूँ वो खरीद के आपको दिखाता हूँ आज मैं पैटर्न चेंज करने वाला हूँ आज मेरा वीडियो अभी शाम को आ रहा है क्योंकि आज मैं बाई नहीं करूँगा बट मैं आपको पाँच शेयर वो बताऊंगा जो मैं कल बाई करूँगा मतलब मंडे को मंडे को मैं पहले वो शेयर बाई करूंगा फिर बाकी काम करूंगा लेकिन वीडियो आपको शाम को ही आएगा तो आज मैं आपको ये बता दूंगा पहले ही कि कौन से पांच शेयर आपको मंडे को खरीदने हैं मैं वही शेयर खरीदूंगा मार्केट कितना भी ऊपर जाए कितना भी निगेटिव जाए बट वो पांच शेयर मेरे पोर्टफोलियो में मंडे को ऐड हो जाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ कि आप सब कमा सकें हम लोग भी बढ़ सके आगे तो ये ये वो शेयर्स हैं जिन्होंने टेन परसेंट अचीव कर लिया है ठीक है और इन्होंने कितने दिनों में अचीव किया है तो मैक्सिमम आप देखेंगे तो ट्वेंटी थ्री डेज मैक्सिमम है नहीं तो पांच दिन और दो दिन भी हैं जो शेयर अचीव किया है आज मेन है कोल इंडिया जो हमने बाय किया था उसने आज टेन परसेंट अचीव कर लिया है और ये वाइट क्यों है ये वाइट होने का एक रीजन है कि ये सब अभी भी जी में लगे हुए हैं जी टी जीरोधा में एक ऐसा ऑप्शन है कि मान लो आपका शेयर आपने परसेंट का टारगेट रखा है मैंने कि टेन परसेंट होगा मैं बेच दूंगा टेन परसेंट पे पहुंचा मैंने उसको लगाया वहां पे मैं आठ परसेंट पे मतलब आठ परसेंट पे जी टी लगा दूंगा अब वो शेयर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मैं रोज जी चेंज करता जाऊँगा आपको नहीं समझेगा प्लीज आप बोलिएगा तो मैं एक जी पे अलग से सेशन भी ले सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा उसमें इंजीनियरिंग नहीं है बट यही कि मेरे को दस परसेंट पे बेचना ही था मैं बेच देता निकल जाता खत्म करता उसकी जगह पे मैं जी लगाता हूँ उसका फायदा क्या होता है आप एशियन पेंट्स में देख सकते हैं एशियन पेंट्स ने 19 जुलाई को 19 जुलाई को अपना टारगेट अचीव कर लिया था यानी टारगेट क्या था हमारा दस बट जी लगे होने के कारण आज के टाइम वो बाईस हाई पे है बाईस यानी बास दिन में आज बीस दिन छोड़ दीजिए आप मतलब बत्तीस दिन या तीस दिन मान लीजिए आज के टाइम से उसने तो उसने में उसने मुझे बाविस परसेंट रिटर्न दिया है वैसे ही अगर आप बजाज आप बजाज फाइनेंस जाओगे तो बजाज फाइनेंस ने भी मुझे सोलह परसेंट रिटर्न दिया है विद इन फोर्टीन डेज ठीक है ये जो व्हाइट में आपको दिख रहे हैं ये सब जीटी में लगे हुए हैं अभी तक बिके नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में नहीं बिके एक्सेल शीट में हमारा टारगेट अचीव हो चुका है बट उन्होंने पोर्टफोलियो नहीं बेचा है मैंने क्योंकि मैं जीटी टी लगाया और मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि आप जी का यूज करोगे जी से फायदा क्या होता है देखो टान टेन परसेंट पे तो आप वैसे भी निकलने वाले थे अब क्या फायदा हो रहा है कि आप टेन परसेंट पे ना निकल के उसको बाविस परसेंट बना रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है यार एक बार ऊपर गया और नीचे आया दो परसेंट आपने नीचे रखा मान लो बारह परसेंट पे गया और आपने जी टी टी दस परसेंट लगाया नीचे आया दस परसेंट पे चला गया खत्म खाओ ना आपका टारगेट तो अचीव ही हो रहा है ना तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये कोल इंडिया के लिए ताली बजती है अब हम होल्डिंग्स देख लेते हैं होल्डिंग्स में आप देखोगे तो ये मेरे टॉप के हैं इसमें ये एशियन पेंट देखिये बाईस परसेंट है बजाज फाइनेंसटी परसेंट ये मैं जानबूझ के दिखाना चाह रहा कि आप देखिए ऐसा नहीं कि मैंने इनको लिए नहीं थे इनको लिए थे बैंक ऑफ बड़ौदा आज भी का है जो कि जीटीटी में लगा के रखा था उससे पहले ही राइट बैंक ऑफ बड़ौदा ही देखिये बीस जुलाई को ही जी जीटी पे लगा था बट बिका आज है आज उसने चौदह पे बिक गया तो मुझे तो फायदा ही हुआ ना एक जी का देखिए नुकसान क्या हुआ था मैंने इंडस एंड बैंक को गलती से लोअर जी पे लगा दिया था मेरा ध्यान नहीं था इसलिए वो छह परसेंट बिक गया था बट फर्क क्या पड़ता है उसकी जगह ने उसका कवर कर लिया आप वैसे ही देखिए कोल इंडिया आज ट्वेल्व परसेंट बढ़ गया है और आज इसने अचीव किया लेकिन यहाँ पे आपको देखिए बिका हुआ नहीं दिख रहा क्यों क्योंकि मैंने उसको जी में लगाया ज्योति लैब भी ग्यारह पे है राइट ज्योति लैब ग्यारह परसेंट पे है फिफ्टी रुपीज हो गया है ठीक है छोटा इनॉक्स इंडिया आज ही एक ही दिन में दो परसेंट छः परसेंट ये देखिए कैसे बढ़ते हैं छह परसेंट पांच परसेंट और कल तो बजाज फाइनेंस आपने देखा होता तो बातचीत क्या थी नौ परसेंट के करीब दस परसेंट बढ़ा उसने एक ही दिन में किसको कहते हैं दस परसेंट बढ़ना एक ही दिन में बहुत बड़ा अमाउंट होता है दस परसेंट बढ़ना तो ये दस परसेंट बढ़ा है जी टी टी आपको मैं दिखा देता हूँ कि जी टी टी देखिए लगा हुआ है आ, ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ एशियन पेंट में ज्योति लैब में इंडिया होटल अदानी इंटरप्राइज बजाज फाइनेंस में जी टी टी लगा हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस जो मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको यही दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये एक तारीख से लेकर अभी तो उन्तीस तारीख तक करीबन कितना हुआ है दो हज़ार दो हज़ार का मुनाफा हुआ है लेकिन ये मेरा एक इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था ये मैंने इस बार क्या किया था जब मैं प्रोजेक्ट वन किया था तब मैंने निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स पकड़े थे और उनके ही उनके ही बेसिस पे मैं स्टॉक बाई करता था और उसी में से खरीदता था इस बार मैंने निफ्टी फाइव हंड्रेड के स्टॉक्स पकड़े यानी फाइव हंड्रेड स्टॉक्स पकड़े और उसमें से चूज करके मैं कर रहा था बट अब अगले अगले महीने से ये मेरा एक, एक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने अप्रैल मई जून अप्रैल में नहीं मई एंड जून एंड जुलाई में ये करने की कोशिश की बट ये एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा है मुझे डिविडेंड आ रहा है बट वो प्रॉफिट नहीं हो रहा और डिविडेंड इन कंपेरिजन टू प्रॉफिट बहुत कम है तो मैं उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ तो हम आगे चलते हैं हम देखते हैं कि कौन से बाकी स्टॉक्स हैं जो सबसे जो हम हमेशा देखते हैं कि सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट अब भी आज के टाइम पे मेरे स्टॉक्स कौन से हैं तो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट सिक्सटी फोर परसेंट कौन सा भाई देखना पड़ेगा एक सेकंड रुकिएगा। नहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है आ, मेरा शायद क्वांटिटी नाइन्टी वन बैंक थर्टी टू लेटेस्ट प्राइस ऐसे कैसे हो सकता है यार आरबीएल बैंक आरबीएल बैंक तो बिक गया है आज नाइन्टी टू का था हाँ नाइन्टी टू में बिक रहा है भाई <laughs> ये पहले के स्टॉक थे मेरे पास और ये बिक गए हैं आर बी एल बैंक पहले ही से था मेरे पास जो प्रॉफिट में था अब ये बिका क्यों है ये मुझे नहीं समझ आ रहा है शायद मैंने गलती से इसको भी लगा दिया था क्योंकि ये इसको पहले भी एक बार हमने बाई किया था शुरू में तो ये शायद उसके कारण ही पूरा ज्वाइंट बिक गया फाइव स्टॉक तो देखेंगे कोई दिक्कत नहीं चलो हो गया गलती होती रहती है एक दो इस, कुछ ना कुछ होता ही रहता नया तो अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँ तो माइनस एच सी टेक है जो माइनस नाइन पॉइंट नाइन जीरो है आपके लिए कल भी मैंने जब वीडियो बुला था तो मैंने बोला था कि आ, पांच रिकमेंड नहीं किए थे बट मैंने बोला था कि सबसे निगेटिव दिखाया था तो मैंने यही बोला था कि अगर आपको उसमें से लेना है तो एक एच टेक अच्छा ऑप्शन है ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है ये जस्ट है आपको नौ से आठ तक का बेनिफिट डायरेक्टली मिल जाएगा इन कम्पेरिजन टू माइज़ पोर्टफोलियो ठीक है ये तीन स्टॉक हैं आइडिया आइडिया रहने दीजिए वी डी एल एच एल में से अगर आपको कोई लेना है तो आप ले सकते हो आपके उप, आपके हिसाब से ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट आज के हम टॉप फाइव शेयर देखेंगे आ, और यहाँ पे भी आप देखिए जो मेरा आपको याद है कि जब मैंने शुरू किया था तो माइनस सेवन पॉइंट नाइन था और आज ये थ्री पॉइंट टू नाइन नाइन परसेंट पहुँच चुका है थ्री पॉइंट टू नाइन नाइन परसेंट तो दस परसेंट कितने टेन लगेंगे <laughs> कह नहीं सकते मजाक नहीं करना चाहिए शेयर मार्केट से शेयर मार्केट कभी भी आपको ऊपर नीचे कर सकता है तो कोई बात नहीं है बट हम लोग ध्यान से जाएंगे आगे बढ़ेंगे सेफली आगे बढ़ेंगे और इसको कवर करेंगे तो अभी हम देखते हैं कि आज के पाँच शेयर कौन से हमारे पहला शेयर जो मैं लूंगा मंडे को वो होगा एच डी बैंक एच डी एफ सी बैंक आज भी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है एच डी एफ सी बैंक दो परसेंट के हिसाब से कुछ पढ़ा दो से तीन परसेंट बढ़ा था उसने अच्छा रिस्पॉन्स किया है और उसके बाद मेरा जो दूसरा शेयर रहेगा टाटा स्टील ये स्प्लिट हुआ है ऑलरेडी मुझे आ चुका है वो। उसी पर बाई कर लूंगा जो सबसे पहले होगा तीसरा स्टॉक यूपीए लिमिटेड ये निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है जो काफी दिनों से शांत बैठा हुआ है कहते हैं ना जो शांत बैठा रहे तो होता है वैसे ही बजाज फिंसर बजाज सॉरी hmm. बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस काफी दिनों से शांत बैठे हुए थे और जब बढ़े तो 9 से 10 परसेंट विद इन अ डे दिया उन्होंने रिटर्न यानी करीबन आपको 10 परसेंट इन अ डे बहुत बड़ी बात होती है ऐसा बहुत कम होता है बट कल हुआ ये जहाँ पे बजाज के तीनों शेयर बजाज होल्डिंग्स बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व तीनों ने करीबन दस परसेंट के ऊपर का रिटर्न दिया विद इन अ डे मतलब इतना हाई पकड़ा तो तीसरा मेरा शेयर है यूपीएल और उसके बाद चौथा एक शेयर है जो आप ले सकते हो विप्रो लिमिटेड विप्रो एंड यूपीएल काफ़ी दिनों से शांत है विप्रो काफ़ी निगेटिव भी गया तो अभी भी मेरे मेरे पास है ये स्टॉक विप्रो पहले से ही तो ये करीबन 20 20 परसेंट शायद निगेटिव है तो मैं ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा पोर्टफोलियो फिर से डाउन चला जाएगा बट कोई फर्क नहीं पड़ता आई नो कि विप्रो कितना अच्छा स्टॉक है और कितना रिकॉर्ड कर सकता है अब पांचवा स्टॉक मैं आज से क्या कर रहा हूँ ना कि चार तो स्टॉक आपके निफ, निफ्टी फिफ्टी के ही बताऊंगा मैं ठीक है तो आप ये मत करना कि निफ्टी फिफ्टी के नहीं बता रहा हूँ निफ्टी फिफ्टी के पांच स्टॉक बताऊंगा और उसमें से एक स्टॉक जो रहेगा चार स्टॉक मेरे न, इसके रहेंगे जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पांचवा स्टॉक जो रहेगा वो सबसे ज्यादा लोवेस्ट जो होगा यानी लोवेस्ट वी था तो वी को मैंने अभी कर लिया है एड साथ में कर लिया है, क्योंकि वीडियल को ही लेके जाऊंगा मैं अगर आप ये उनतीस जुलाई मैंने जान लिखा है लेकिन ये एक्चुअली सभी डेट हो जाएंगी ये सब डेट हो जाएंगी एक सेकेंड जुलाई 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 मंडे एक तारीख एक अगस्त हो जाएगा ओके फर्स्ट ऑफ अगस्त एट जीरो वन टू टू तो फर्स्ट अगस्त को मैं ये पांच स्टॉक लेने वाला हूं और ये क्वांटिटी जो मैंने सामने लिखी है वही क्वांटिटी के स्टॉक लूंगा उससे ज़्यादा नहीं लूंगा और आप आज कोई स्टॉक देख लें हम लोग इसमें से यूपीएल को मैंने एनालाइज़ करना है क्या अगर यूपीएल को करना है तो आप बताइए तो मैं कर सकता हूँ यू को यू को देख लेते हैं चलिए यहाँ पर डाल देते हैं ना कि यू का कितना स्टॉक है मेरे पास वो भी आपको पता चल जाएगा और यू का एनालिसिस भी कर लेंगे एक ही स्टॉक है ज़्यादा नहीं है मोर फंडामेंटल्स में हम जाएंगे ज़्यादा टाइम नहीं मैं ले लूँगा मैं फटाफट इसको आपको दिखा देता हूँ आज ही देखिए वन परसेंट बढ़ा है ठीक है सेवन फोर वन का है स्टॉक और वन डे का रिटर्न वन पॉइंट है वन वीक का रिटर्न इसका देखेंगे आप टू पॉइंट फाइव वन मंथ का रिटर्न आप देखेंगे एलेवन विद इन अ मंथ इसने टेन किया मेरी गलती थी कि जो मैंने थोड़ी चीज़ें चेंज की और वो किया लेकिन ठीक है अभी इसको हम आगे ले लेंगे और एक साल का रिटर्न नाइन परसेंट है फाइव ईयर्स का रिटर्न हम देखते हैं ट्वेंटी सिक्स परसेंट मैक्सिमम हम इसका देखेंगे तो फोर हंड्रेड थर्टी थ्री परसेंट है और अगर हम इसका एस आई पी लेते हैं एस आई पी ठीक है एस आई पी लेते हैं तो आप देखिए प्रॉफिट में ही है राइट अगर आप अगर सेवनटीन को सौ रुपये से आपकी एस आई पी शुरू करते हैं और आज के टाइम पे अगर आपका सिक्स थाउजेंड का था तो आपको सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड मिलता है ये एस आई पी उनके लिए है जो रोज़ नहीं आ सकते रोज बाई नहीं कर सकते आई ऑलवेज सजेस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप रोज आइए पंद्रह से बीस मिनट अपना लीजिए लगाइए और उसके हिसाब से कीजिए तो आपको जरूर फर्क पड़ जाएगा दिन में कभी भी मतलब नौ बजे साढ़े नौ से लेकर तीन बजे तक के एक बार आप अपना स्टॉक तो देख ही सकते हैं ना पंद्रह मिनट के लिए जब भी टाइम मिले पंद्रह मिनट के लिए आप जरूर देखिए उनको अपडेट उस हिसाब से कीजिए तो ये स्टॉक है मैं जो इस वीक के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ अगले वीक के लिए और फाइनेंशियल पीर पीर आपको देखने की जरूरत है नहीं ए, कॉरमंडल बेयर एंड चंबल है फर्टिलाइजर काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं सब में डिविडेंड भी अच्छा आता है इसमें से बेयर बेयर क्रॉप साइंसेस लिमिटेड का सबसे ज़्यादा अच्छा डिविडेंड है और चंबल का चंबल फर्टिलाइज़र है केमिकल का भी चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स आपका निफ्टी फिफ्टी में नहीं है निफ्टी फाइव में है ठीक है उसी हिसाब से होल्डिंग्स आप अगर देखेंगे तो जो बेसिक चीज़ें देखता हूँ बेसिक चीज़ें में आप देखोगे तो होल्डिंग्स म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स घटी हैं फॉरन इंस्टीट्यूशन की बढ़ी हैं डोमेस्टिक की घटी है और रिटेल्स एंड अदर्स का देखेंगे तो थोड़ा सा घटा है ज़्यादा फर्क नहीं है पॉइंट थ्री जीरो का पॉइंट थ्री जीरो का यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी फ्लैग मोस्टली फ्लैग ग्रीन है जो पॉजिटिव रिजल्ट है बट हम फिर भी इनका फोरकास्ट देख लेते हैं तो ये लोग क्या बोल रहे हैं ये लोग नाइन्टी टू परसेंट लोग ने हाँ बोला है कि इसको बाई करना चाहिए इट्स अ गुड स्टॉक और मैंने मैं भी ऑलरेडी मंडे को बाई करूंगा तो ये पूरा पूरा व्यू है इस वीक का मैंने पांच स्टॉक आपको बता दिए तो प्लीज़ उसके हिसाब से जाइएगा मंडे को और मुझे ये कई बार कई लोगों ने बोला था कि आप एक दिन पहले दे दिया करो बिकॉज आपके वीडियो का टाइमिंग फिक्स नहीं है और वो सही में नहीं फिक्स है बिकॉज इफ़ आई हैव मेरा कोई काम है तो मैं उनको पहले करता हूँ फिर बाद में इस वीडियो को डालता हूँ वीडियो में कई बार एंड में एंड में टाइम ज़्यादा लग जाता है तो बेटर है कि मैं आपको एक दिन पहले पांच स्टॉक दे दूँ और आप उन पाँच स्टॉक को थोड़ी ना खरीदना आपको कोई भी कोई भी एक या दो स्टॉक जो आप चाहो खरीद सकते हो उन पाँच में से भी आप जो चाहो लेकिन आपके हिसाब से अपने हिसाब से पढ़ना थैंक यू वेरी मच फॉर टाइमिंग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए थैंक यू वेरी मच आप सबका दिन शुभ हो